Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. आज थोड़ी वेदांत की बात बताएंगे तब ये नौवां अध्याय स्पष्ट हो जाएगा. शास्त्रों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, वेदों के अनुसार परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है. उपादान कारण माने क्या और निमित्त कारण माने क्या? किसी भी वस्तु के निर्मिति के लिए ये दो चीजों की आवश्यकता होती है. जैसे एक मिट्टी का घड़ा ले लो तो उसमें केवल मिट्टी हो तो उससे घड़ा नहीं बनेगा, और केवल कुम्हार हो तो घड़ा नहीं बनेगा, दोनों चाहिए. तो मिट्टी जो है वो हो गया उपादान कारण, और कुम्हार जो हो गया वो हो गया निमित्त कारण. तब सवाल ये आता है, ये दुनिया की जब हम बात करते हैं तो ये दुनिया को बनाने वाला कुमार कौन है और किस मिट्टी से बना है, ये प्रश्न आएगा. जब हम कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है तो एक कुमार ने मटके बनाए और बनाने के बाद हमने एक खरीद के ले गए, तो उस मटके के साथ कुमार नहीं होगा, तो कुमार सर्वव्यापी नहीं हुआ. लेकिन वो मटके के साथ वो मिट्टी हमेशा रहेगी. तो जब कहते हैं परमात्मा इस जगत में सर्वव्याप्त है, इसका तात्पर्य ये है कि परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है. और इसीलिए जब हम शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो हम साक्षात परमात्मा को स्पर्श करते हैं, ये इसका तात्पर्य. ये केवल भावना नहीं है, ये सत्य है. लेकिन इस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य को समझने के लिए, उस सत्य को स्वीकार करने के लिए पहले हमको ट्रेनिंग दिया जाता है. वो ट्रेनिंग का नाम है उपासना. बचपन से सिखाया गया है लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल. तो धीरे धीरे वो मन में एक एक आकृति बन जाती है. हाँ, भगवान कृष्ण ऐसे थे. तो पहले ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जगत का जो कारण है वो उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है. तो जो दुनिया है वो भी परमात्मा है, इस दुनिया को बनाने वाला वो भी परमात्मा है, इस दुनिया को बना करके चलाने वाला वो भी परमात्मा है, और ये दुनिया जब समाप्त हो जाती है उसी परमात्मा में वापस चली जाती है, ये इसका तात्पर्य है. और ये सिद्धांत बताने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यम. तो मैं ही गति हूं, सभी की गति मैं ही हूं, सब मुझ में ही वापस आता है. भर्ता, इस संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही उपादान कारण हूं. प्रभु, और ये सब करने के लिए मैं समर्थ हूं. ऐसा नहीं कि किसी और की अपेक्षा है शक्ति के लिए. साक्षी, और ये सब करते हुए भी मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं. ये जो सिद्धांत है इसको जितना सूक्ष्मता से हम ग्रहण करेंगे ना, उतनी आपकी उपासना होती रहेगी. फिर उस उपासना में, भक्ति में हम कुछ मांगेंगे नहीं भगवान से, उनके स्मरण मात्र से ही आनंद आता है. देखो, जिसके प्रति प्रेम होता है उस व्यक्ति का स्मरण करने से खुशी होती है ना. तो यदि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो भगवान का नाम सुनने मात्र से एकदम मस्ती चढ़ जाती है. इसीलिए साक्षी ये सब में होते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता. ये सबका आधार होते हुए भी जिसको आधार दिया है उसके द्वारा ये प्रभावित नहीं होता, यह साक्षी. अच्छा, निवास, निवास माने रहने का स्थान,
तो ये संपूर्ण जगत उसी परमात्मा में है। अब यहां दूसरा सिद्धांत बताते, कल बताया था फिर रिपीट करते, इसको हृदय में उतार लेना है। कल जो बताया था वही आज फिर बताएंगे। आप हमको देख रहे हो तो हम तो बाहर हैं आपके, तो आप हमको कहां देख रहे हैं? बाहर के अंदर, ज्ञान तो आपको अंदर हो रहा है तो आप हमको अंदर देख रहे हो, हम हैं बाहर। अच्छा, कोई भी वस्तु जब तक के मन में प्रवेश नहीं करती तब तक के उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता। ये बड़े सिंपल सिद्धांत है। इसका उदाहरण देते आपको, एक बार हमारा लेक्चर कहीं चल रहा था, ऐसा ही स्टेज था, और ऑडियंस में से एक छोटी सी लड़की 10-8 साल की, लेक्चर चल रहा है, उठ के आ गई धीरे धीरे। तो हमारा नियम यही है कि हमको डिस्टर्ब होना नहीं, हमारी यही साधना है किसी भी कारण डिस्टर्ब नहीं होना। तो आ गई, आने के बाद मेरे पास आई और मुझे कहती है, स्वामी जी आपके दाढ़ी में एक स्पाइडर है। तो हमने कहा वहां से टिश्यू पेपर ले लो और धीरे से उठाना और बाहर फेंक देना, मारना मत। बोले ठीक है, उठा करके ले गई, बाहर फेंक दी। अब हमने क्या सीखा इससे? वो स्पाइडर हमारे दाढ़ी पर था लेकिन हमारे मन में उसने प्रवेश नहीं किया था। जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। कितनी सहज बात है। अब हम बाहर बैठे हैं तो जब तक आपके मन ने हमको स्वीकार नहीं किया तब तक के हमारी सत्ता आपके लिए नहीं है। और यह जो ज्ञान कि हम यहां है, ये ज्ञान आपको आपके अंदर हुआ तो आपका मन अंदर भी होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम या मन देह में नहीं है, देह मन में है। जैसे एक हॉल, हॉल के अंदर आकाश है, हॉल के बाहर भी आकाश है। आकाश नहीं होता तो हॉल की संभावना नहीं है, और इसीलिए यह हॉल आकाश में है और आकाश हॉल में नहीं है। इसी प्रकार से मन हमारे देह में नहीं है, हमारा देह मन में है। और मन में विक्षेप कब आते हैं? जब ये अंदर और बाहर ये भ्रांति बनी रहती है तभी विक्षेप आते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में हमने अपने मन को लपेट करके सहराने ले लिया तो अंदर बाहर का चक्कर ही नहीं। जहां अंदर बाहर का चक्कर खत्म हो गया वहां हम अपने स्वरूप में वापस आ गए। इसीलिए यहां जो कहते हैं निवास, संपूर्ण सृष्टि मुझमें ही है। मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, मई सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मुझमें ही है, मुझमें ही पैदा हुई, मुझमें ही रही और मुझमें ही लय हो जाएगा। देखो महाराज, ये अपना जीवन नहीं है क्या? जब तक मैं है तभी तक ये दुनिया है, जब मैं नहीं तो दुनिया नहीं। इसीलिए कहते हैं निवास, सबका निवास स्थान मैं ही हूं। और शरणम, शरणम माने सभी का सभी अल्टीमेटली इसी में लुप्त तो हो जाता है। सुहृत, और इतना होते हुए भी सबका मित्र हूं, दुश्मन किसी का नहीं हूं। माने परमात्मा वो है जो किसका विरोध ही नहीं है। ये जो निर्विरोध सत्ता है वो अपना स्वरूप है। अब ये निर्विरोध को हमने बताया था अनेक प्रकार से। हमारी दृष्टि किसी भी रूप रंग का विरोध नहीं करती, हमारी श्रवण शक्ति किसी भी शब्द का विरोध नहीं करती, हमारा मन किसी भी अच्छे बुरे विचारों का विरोध नहीं करता,
और शुद्ध चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी का विरोध नहीं करती। अच्छा सपना हो इसको भी आधार है, बुरा सपना हो उसको भी आधार है, जागृत के अच्छे अनुभव हो उसको भी आधार है, बुरे हो उसको भी आधार है। इसीलिए साधना के पक्ष में ये बात हमको करनी है कि हमको किसी से कोई विरोध नहीं है, जो है जैसा है ठीक है। भक्ति के शास्त्र में इसको प्रेम कहते हैं। ये प्रेम चार प्रकार से व्यक्त होता है। पहली अभिव्यक्ति प्रेम की बड़ों को लेकर के, दूसरी अपनी ही उम्र को लेकर के, तीसरी अपने से छोटे हैं उनको लेकर के, और चौथी जो गड़बड़ करने वाले हैं उनको लेकर के। ये चारों के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति चार प्रकार से होती है। जो बड़े हैं उनके प्रति आदर सत्कार का भाव हो तो हमने प्रेम व्यक्त किया है। जो अपने ही उम्र के हो उनके प्रति दोस्ती का भाव रखे तो हमने प्रेम व्यक्त किया है। जो अपने से छोटे हो उनके प्रति क्षमा की भावना हो तो हमने प्रेम व्यक्त किया है। जो इस दुनिया में समस्या निर्माण करने वाले हैं उनके प्रति हमको उदासीन रहना है। देखो महाराज, ये चार बातें सहज होने लग जाती है। अब इसको अपने जीवन में देखो तो कभी समझो अपनी जीवा दांतों से कट गई तो हम उदासीन रहते हैं, ठीक है एक हर बार हो जाता है, हम काटते नहीं दांतों को। इसलिए शरणम सुहृद सबके मित्र है, फिर प्रभव प्रलय स्थानम, और ये सब का सब मुझसे ही निकलता है और मुझ में ही वापस आता है। कैसे? पुत्र मुझसे ही पैदा हुआ, पति मुझसे ही पैदा हुआ, पिता मुझसे ही पैदा हुआ। कैसे? जब मैं अपने पिताजी के साथ हूं तो मेरे से पुत्र पैदा हुआ, जब मैं अपने पत्नी के साथ हूं तो मेरे से पति पैदा हुआ, जब मैं अपने पुत्र के साथ हूं तो मेरे से पिता पैदा हो गया। यदि मैं एक हूं तो ये क्या तीन सत्य है? क्या मैं तीन बन गया? तो हम क्या कहेंगे? ये तीनों के तीनों मुझसे ही पैदा हुए हैं, मुझ में ही रहते हैं। यदि मैं नहीं तो इन तीनों की सत्ता नहीं। लेकिन तीन उपाधियां चली गई, पिताजी स्वर्गवास हो गया तो पुत्र नहीं रहेगा, पत्नी चली गई तो पति नहीं रहेगा, पुत्र चला गया तो पिता नहीं रहेगा, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। यह जो औपाधिक अनेकता है यह भ्रांति है, और इसी औपाधिक अनेकता को हम सत्य मान करके चलते हैं और इसीलिए जीवन में दुखी होते हैं। तो करें क्या? समझ के चले, उपाधियों में रहना है तो उसके अनुसार व्यवहार करें। इसीलिए ये जीव की परिभाषा में अनेक प्रकार से बताते हैं शास्त्र। तीन प्रकार के जीव होते हैं। एक को कहते हैं प्रातिभासिक जीव, माने जो सपने में सुख दुख के अनुभव करता है उसको कहते हैं प्रातिभासिक जीव। दूसरा होता है व्यावहारिक जीव, माने हमको जो जो रोल प्ले करना है, हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर है, वो अपना रोल ठीक से प्ले करो, ये हो गया व्यावहारिक जीव। अब ये दोनों जो जीव है इसको समझ लो। जो व्यावहारिक जीव है उसके लिए प्रातिभासिक जीव माने स्वप्न पुरुष, उसके जो सुख दुख है लाभ हानि है उसके प्रति उसका क्या भावना होगी? छोड़ो यार वो सपना था, उसको महत्व नहीं देंगे। अब ये जो व्यावहारिक जीव है इस जगत में सुख दुख का अनुभव कर रहा है, एक और जीव है और उसको कहते हैं पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक जीव माने जिसने इस मनुष्य जन्म में आकर के अब अपने अध्यात्म मार्ग पर चलने का दृढ़ निर्णय ले लिया है और उसके बाद उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने मन के तरफ है। जिस क्षण हम अपने मन पर काम करना शुरू करते हैं उसी समय एक नया जन्म हो गया। हमने कभी मन का ध्यान ही नहीं रखा, मन कितना नचा रहा है हमको। मन को लेकर के हमने केवल एक ही बात जानी है, कंप्लेन करना।
मन बड़ा उदास है, मन बड़ा डिस्टर्ब है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके स्थान पर ये चिंतन करो, मन डिस्टर्ब है किसका, तब पता चलेगा पति के रूप में डिस्टर्ब है, पत्नी के रूप में डिस्टर्ब है, फिर चिंतन जारी रखो। तो ये तो हमको एक व्यवहार में रहना है, तो ऐसा रहे कि ना काऊं से दोस्ती ना काऊं से बैर। माने जगत में रहते समय व्यावहारिक जीव यदि अपने मन के संतुलन को टिका के रखे, तब समझ लेना उसी व्यावहारिक जीव से अब एक पारमार्थिक जीव का जन्म हो गया, उसी को साधक कहते हैं। तो जैसे व्यावहारिक जीव के लिए स्वप्न के पुरुष का कोई मायना नहीं रखता, इसी प्रकार से साधक के लिए ये दुनिया में आने वाले जो अच्छे बुरे प्रसंग है इसका प्रभाव कम हो जाएगा। देखो महाराज, और इसीलिए आप देखिए कितनी भी बड़ी हानि हो जाए, कोई अपना प्रियतम भी स्वर्गवास हो जाए, तो उस समय जितना दुख होता है, जैसे जैसे समय पास होता है वैसे वैसे ये दुख की मात्रा कम हो जाती है। देखो, क्योंकि स्वीकार कर लिया है कि ये ऐसा ही है, इसको बदल नहीं सकते। इसीलिए यहां बताते हैं कि प्रभव प्रलय स्थानम, ये सब का सब मुझ में ही पैदा होता है, मुझ में ही रहता है और मुझ में ही वापस आ जाता है। देहात्म भाव हो गया, व्यावहारिक जीव पैदा हो गया, और फिर ये खत्म हो गया, फिर नींद में चले गए, स्वप्न आया, एक स्वप्न पुरुष पैदा हो गया, स्वप्न खत्म हो गया, सुषुप्ति में चले गए, दोनों खत्म हो गए। हम जो कहते हैं, जैसे एक आदमी उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं, वैसे ही एक ही चैतन्य, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इसके कारण चार प्रकार के मानव अनुभव कर रहा है। देखो ये जो चार अनुभूतियां हमारी, इसके जो हमारी जागृत अवस्था है ये बुद्धि प्रधान होती है। बुद्धि प्रधान माने क्या, या हर चीज लॉजिकली चल रही है, और स्वप्नावस्था जो है वो मन प्रधान होती है, उसमें सब क्याओस है। सुषुप्ति जो है गहरी नींद, वो है अहंकार प्रधान, या अहंकार का तात्पर्य ईगो नहीं, अहंकार तत्व है जिसके कारण पंच महाभूतों को इकट्ठा करके रखते हैं, उसको कहते हैं अहंकार, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो गहरी नींद में अहंकार ही केवल रहता है, और उसी के कारण डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, उसी अहंकार के कारण। तो तीन हो गए, चौथा जो समाधि है वो चित्त प्रधान होती है। इसी प्रकार से जो सुखी दुखी होने वाले हैं ये चार है, या तो पुत्र है, या तो पति है, या तो पिता है, या तो भाई है, आदमी इसमें कहीं भी नहीं। तो पूरी साधना क्या हो जाएगी, ये प्रश्न पूछना किसके कारण ये हो रहा है, उसके स्थान पर ये प्रश्न अपने आप से पूछना किसको हो रहा है, Who is disturbed? उसी क्षण आपका मन एकदम भिन्न हो जाएगा, तब पता चलेगा एक कोई व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर उसी समय एकदम आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। देखो महाराज, इसको कहते हैं भगवद गीता के अध्याय से, अभ्यास से प्रभव प्रलय स्थानम, ये हमने समझ लिया है, और निधानम बीजम अव्ययम, और मैं ही सबका निधान हूं, सब कुछ मुझ में ही आता है, और बीजम अव्ययम, और मैं ही सबका उद्गम स्थान हूं, उससे ही सब पैदा हुआ, मुझ में ही सब रहा है। ये जो भगवान ने कहा है ना, ये अपने ही बारे में है कि वो और हम अलग अलग नहीं है। देखो एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, आप भगवान पर विश्वास रखते हो क्या? हमने कहा नहीं। नहीं रखते हो? नहीं। फिर आप नरक में जाओगे। मैंने उनको पूछा, फिर आप कहाँ जाएंगे?
बोले मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर तुम स्वर्ग में जाओगे तो मैं नरक में जाऊंगा। बोले आपको डर नहीं लगता? हमने क्या नरक भगवान के सिवा रह सकता है? भगवान के सिवा किसी की भी स्थिति नहीं है। यदि नरक भगवान के सिवा रह सकता है तो नरक भगवान से पावरफुल है। देखो महाराज, ये डर डर के जीना यह अध्यात्म नहीं। इसीलिए निदानम बीजम अव्ययम। अब ये बताने के पश्चात अब भगवान के क्या क्या कार्य पूरी सृष्टि की बात बताते हैं। तपामि अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। देखो ये कितने सालों पहले लिखी गई है भगवद गीता, हजारों साल, पांच हजार साल के पहले। क्या बताते हैं? मैं ही सूर्य के रूप में समुन्द्र के पानी को तपाता हूं और वो तपा हुआ पानी भाप बनकर के आकाश में जाता है और बादल बन जाता है और वही पानी फिर मैं पहाड़ों में गिरा देता हूं और वहां से फिर नदी आती है। देखो महाराज, तप की बात है ये। तपाम्य हम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च, मैं ही इस पानी को धारण करता हूं और मैं ही इसको फेंक देता हूं। माने जितने भी नेचर के लॉज है, ऑल लॉज आर कंट्रोल्ड बाय एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सेम रियालिटी। देखो परमात्मा का दर्शन करना है ना, इस प्रकार से जगत में जो कुछ हो रहा है उसमें सब में परमात्मा ठसाठस भरे हुए। या तो कहो सब कुछ परमात्मा में ही हो रहा है। जैसे चाहे समुन्द्र हो, लहरें हो, सुनामी हो, बादल हो, आइसबर्ग हो, तालाब हो, नदी हो, झरने हो, सब का सब पानी में ही है। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व जिसमें हम भी आ गए, हम भी उसी परमात्मा में। इसका प्रभाव आपको बताते हैं। एक बार हम इंग्लैंड में थे और हम किसी अंग्रेज के यहाँ रहते थे और ऊपर के कमरे में हमको जगह थी, छोटा सा कमरा, बिस्तर के बाद मैक्सिमम 6 इंच या 1 फुट की जगह थी, चल भी नहीं सकता आदमी। पुराना मकान, 300-400 साल पुराना, इंग्लैंड में वेल्स में बहुत पुराने मकान है। और सुबह हम जल्दी उठ करके अपना सब काम कर लिए और वहां कोई कुर्सी भी नहीं बैठने के लिए, हम बिस्तर में बैठ गए। और उसके पश्चात वो हमारी अम्मा हमको बुलाने आई, स्वामी जी चलो नाश्ता करने के लिए। और हमको याद देखा ही नहीं और सुना भी नहीं कि वो आई है, हो सकता है बैठे बैठे सो गए हो। तो थोड़ी देर के बाद हम जब नीचे गए तो हमको कहती है, स्वामी जी माफ करना, मैं आपको आकर के डिस्टर्ब करी, आप तो मेडिटेशन कर रहे थे। हमने कहा अम्मा मुझे गाली मत देना, मैं मेडिटेशन नहीं करता। बोले नहीं आप तो शांत बैठे थे ना। हाँ शांत बैठा था, मेडिटेशन नहीं कर रहा था। फिर आप क्या कर रहे थे? हमने कहा मैं कन्हैया की गोद में बैठा था। मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन करने वाला पैदा होगा। भगवान की गोद में बैठोगे तो आप गायब हो जाओगे। देखो ये जो करने का रोग है ना, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, बहुत कर लिया यार, अब जाकर के प्रभु की गोद में बैठ लो, मौज में है बस, ठीक है। विचार आते हैं जाते जाते, हु केयर्स, अब तो हम कन्हैया की गोद में बैठे। यही भावना दृढ़ता से करो आप, धीरे 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 आपका जो मन है जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में धीरे धीरे घुल जाता है, वैसा ही ये जो मैं है मेडिटेशन करने वाला, ये जो मैं है भगवान की उपासना करने वाला, ये भगवान में लीन हो जाता है। कोई कठिन नहीं है ये, ये सब भावना का खेल है, ये सब भावना में ही चल रहा है। हमने ही भावना करी है कि हम राजस्थान के हैं, हमने ही भावना करी है कि हम बंबई के हैं। करनी है भावना
तो घटिया क्यों करे, बढ़िया भावना करे, हम तो प्रभु की गोद में बैठे, हो गया। ट्राई करो, जैसा जैसा ये सूक्ष्मता से हृदय में उतरता है वैसा वैसा इन शब्दों के अर्थ हृदय में प्रकट होते हैं। तपाम्यम अहम वर्षम निगृण्याम सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं ही जन्म और मृत्यु हूं। देखो समुद्र कहता है मैं ही जन्म लेता हूं, तब मुझे लहर कहते हैं, और जब ये लहर मरती है तब भी मैं हूं। माने जन्म मृत्यु ये केवल औपाधिक विशेषता है। एक हमने आपको बात बताई थी, एक लड़की का डाइवोर्स हो गया था, तो हमको पूछने आई, स्वामी जी डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है कि सधवा रहती है? शादी हुई तो पत्नी का जन्म हुआ, फिर वो सौभाग्यवती हो गई। डाइवोर्स हो गई तो पत्नी नहीं है, तो क्या वो मरी? देखो सिद्धांत ये है, औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, वास्तविक नहीं होती है। प्रतीति को जब हम वास्तविकता का रूप देते हैं तब संसार शुरू हो जाता है। देखो, और ये संसार क्या है, फिर हम दुखी होते हैं। अब उदाहरण देते हैं आपको, एक हमारे मित्र है, उनकी लड़की अब तो बड़ी हो गई, हो छोटी थी 3 साल की 4 साल की, वो हमको मेरे स्वामी जी कहती थी। कोई दूसरा छोटा बच्चा यदि हमारे पास आ जाए तो उस बच्चे को ढकेल देती, खबरदार मेरे स्वामी जी के पास आई तो, जैसे मैं उसका एकदम पेट हो गया हूं। एक बार की बात है, हमने ऐसे ही उसके खेलने के लिए कहा कि देखो तुमको तो दोनों है, मम्मी है पापा है, मुझे एक भी नहीं है ना, तो मुझे शेयर करो, पापा मुझे दे दो, मम्मी तुम रख दो। जब मैंने ऐसा कहा तो छोटी सी बच्ची अपना इतना सा हाथ लेकर के पहाड़ साइज के पापा को ढकती है, नहीं 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 पापा मेरे इसको मत लेना, ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं मम्मी को लेता हूँ। तो फिर मैंने उसके मम्मी का हाथ पकड़ा और चलो मम्मी मुझे अब तुम मेरे साथ रहो। अब वो रोने लगी, नहीं नहीं मम्मी को भी नहीं लेना। तो मम्मी कहती है देखो स्वामी जी कह रहे ठीक ही है ना, तुमको दो दो है, स्वामी जी को एक तो चाहिए ना, तो मैं जाती हूँ। ऐसा जब मम्मी ने कहा उसको, इतनी जोर जोर से रोने लग गई, रोने लग गई। ध्यान से सुनना, जब वो रो रही थी तो हम तीनों को दुख नहीं हो रहा था, हमको हंसी आ रही थी। जो उस बच्चे के लिए दुख था वो हमारे लिए दुख नहीं था। दुख क्यों हुआ, उसने सोचा कि असल में मैं उसकी माँ को ले जा रहा हूं, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है। तो जो नहीं है उसको सत्य मानो तो दुख होगा, ये इसका सिद्धांत है। इसीलिए जगत जो है ये केवल प्रातीतिक है, वास्तविक नहीं है। प्रतीति किसको कहते हैं, जो किसी परिस्थिति विशेष में निर्माण होती है उसको प्रतीति कहते हैं। यह जागृत अवस्था कब निर्माण होती है, केवल देहात्म भाव के बाद। जब देहात्म भाव नहीं है उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बड़े नहीं, छोटे नहीं, उस समय जागृत अवस्था होती ही नहीं। देखो हम सपनों को क्यों झूठ मानते हैं, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए आके चला जाता है, लेकिन सपने में जब होते हैं तो वो थोड़ा समय नहीं होता, उस समय तो युग बीत जाते हैं। देखो संतो, इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जो वेदांत का सिद्धांत है, इसको जब तक हम अपने हृदय में उतारेंगे नहीं तब तक के दुखी होके रहेंगे। तो ये सब का निचोड़ क्या हुआ, ये जो दुनिया है ना, भगवान की लीला चल रही है, राम लीला या कृष्ण लीला। लीला में क्या होता है, सब दिखता है हो रहा है, असल में कुछ नहीं हो रहा। एक हमने अपना अनुभव बताया था कई बार, हमको वो अनुभव बहुत अच्छा लगता है, हमने सीखा उससे। हमने आपको कई बार बताया
आध्यात्मिक साधना माने सीखना 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 हर एक अनुभव से। बहुत पुरानी बात है, हम छोटे थे, मथुरा में पहली बार हमने रामलीला देखी, पहली बार। तो सीता जी और हनुमान जी का प्रसंग था, तो बीच में ब्रेक हो गया। उन दिनों में बिजली के लाइट नहीं होते थे, बत्तियां होती थी, बहुत पुरानी बात है। तो हमको बड़ी जिज्ञासा कि क्या हो गए, कैसे हो गए ये राम, ये हनुमान जी और सीता जी। तो जैसे इंटरवल हो गया तो हम पीछे से गए स्टेज के पीछे, खुले में ही था, खुले ग्राउंड पर, और वहां जब देखा हमने तो हमको असली रामलीला समझ में आई। जैसे ये दोनों सीता जी और हनुमान जी नीचे आए, तुरंत हनुमान जी ने काढ़ी बीड़ी और वो कह दे सीते माचिस काट, सीते ने माचिस काट, और फिर शुभ्रपानम शत गोदानम एक एक कश गंगा स्नानम, और दो चार मिनट उनका पफ कर लिए, फिर घंटी हो गई तो एकदम हवा निकाल दी और सब धुआं, और फिर मैं दौड़ के सामने गया, अब देखते क्या होता है। तो वहां हनुमान जी माते, मुझे लगा वो कह रहे हैं बीड़ी काट। मैंने जो हो रहा था, दिख रहा है, हो रहा है, हुआ कुछ नहीं। इसी प्रकार से उस बच्ची को जब हम रुला रहे थे तो उसको लग रहा था कि हम उसके माँ बाप को ले जा रहे, ये कुछ नहीं ले जा रहे। इसी प्रकार से इस दुनिया में ना कभी कुछ अपना था, ना कभी कुछ अपना है, ना कभी अपना कुछ रहेगा। इस मस्ती में रहो ना, तब भगवत गीता उतरी हृदय में। देखो हमारे जीवन का एक विशेष बात आपको बताते हैं, हमको सीधी गिनती नहीं आती, उल्टी गिनती आती है। जैसे यहां आए हम तो शुरू कर दिया 6, 5, 4, 3, 2, अब एक बचा है। तो जैसे जैसे हमारे जाने का दिन नजदीक आता है, वैसे वैसे हमारे होस्ट और होस्टाइल ये दोनों उतने खुशी हो जाती है। अब परसों हम चले जाएंगे तो मंदाना हाउस में आनंद यान स्वामी जी गए, अब वैलेंटाइन मनाएंगे। देखो महाराज, ये दुनिया में हम आए हैं टिकने के लिए नहीं आए, दिस इज अवर वैकेशन। कहीं भी वैकेशन के लिए जाओ तो आपकी धारणा कैसी होती है, यहां से जाना है लेकिन जब तक रहना है मौज में रहना है। कोई वैकेशन में जाके रोता है क्या वहां, और वैकेशन में जाके पैसे कमाता नहीं, उड़ाता है। जो हम अपने शहर में नहीं कर सकते वहां जाके करते हैं। देखो हमारे गोवा में चले जाओ ये न्यू ईयर के समय में, ये दिल्ली के और बाकी शहरों के बच्चे लड़के लड़कियां जो हमेशा घूंघट में रहने वाली लड़कियां है और बड़े सीरियसली रहती है घरों में, उनके ट्रेडिशन वैसी है, वहां आने के बाद वो हाई हील की शू पहन लेती है और वो स्कर्ट पहन लेती है और बो लगा देती है, और उसको जिंदगी में कभी चली नहीं, और शरीर है स्थूल और उसको बैलेंस करते करते जा रही है, ऐसा आनंद आता है। क्यों? कि वहां वो मौज के लिए गए थे, दुखी होने के लिए नहीं गए थे। क्योंकि फिर घर आएंगे फिर वही सास वही बहू बैठे हुए। देखो महाराज, इस दुनिया में हम जो आए हैं ना, एक वैकेशन पर आए, हमेशा के लिए नहीं है, जाना है। ये अपना घर नहीं है, अपना घर तो बढ़िया है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। इस बुद्धि से, इस धारणा से रहना शुरू करो, तब पता चलेगा जन्म मरण इसका कोई मतलब नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। सद सच्चा हम अर्जुन, सत असत है जो नहीं है वो सब मैं ही हूं। सत असत जो है जो नहीं है वो मैं ही हूं। कैसे? मेरे हाथ में क्या है? पुस्तक है, अब निकाल दिया। अब मेरे हाथ में पुस्तक नहीं है तो हमने इस पुस्तक को दो प्रकार से जाना,
पुस्तक है पुस्तक नहीं है, इन दोनों को जानने वाला मैं इन दोनों के परे हूं। माने पुस्तक का होना इसको भी मैंने ही प्रकाशित किया कि पुस्तक है, पुस्तक नहीं है इसको भी मैंने ही प्रकाशित किया कि पुस्तक नहीं है, तो मैं कौन हूं? सत माने पुस्तक का होना, असत माने पुस्तक का नहीं होना, इन दोनों का प्रकाशक मैं इन दोनों के परे हूं। सुख का प्रकाशक भी मैं हूं, सुख का अभाव दुख उसका भी प्रकाशक मैं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? सत माने जागृत स्वप्न उसका प्रकाशक मैं हूं, असत माने सुषुप्ति समाधि उसका भी प्रकाशक मैं हूं। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, केवल अपने विचारों को संवारना है। आगे कहते हैं ये सब होते हुए भी हम में से मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामालभन्ते। ये सब होते हुए भी जो लोग इस जगत में इसलिए करते हैं, त्रैविद्या सोम पापूत पापा, जिन्होंने ये कर्म कांड इत्यादि का काम करते हैं, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे कर्म किए और पाप का क्षालन किया, अनेक प्रकार के यज्ञ किए, दान धर्म किया, किस लिए? स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, उनको स्वर्ग में जाना है। और फिर उस पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग में चले गए, पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम स्वर्ग में चले गए, फिर वहां अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान, स्वर्ग में जाने के बाद वो अनेक प्रकार के भोग में लिप्त हो जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं। उसके पश्चात ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, जब तक के आपका वीसा है तब तक के आप वहां रहोगे, जहां आपका वीसा खत्म हो गया फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, आपका पुण्य खत्म हो गया, आपका वीसा खत्म हो गया, आप वापस चले जाओ जयपुर, फिर यहां आके टपके। इस प्रकार से कहते हैं एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्नाः, तो जो केवल इस कर्म कांड में अच्छा कर्म बुरा कर्म इसी में लगे रहते हैं, वो केवल यहां से स्वर्ग, स्वर्ग से यहां, ये चक्कर उनका जीवन में कभी खत्म होता ही नहीं। इसीलिए स्वर्ग की इच्छा ना करें। देखो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग है एक्जिमा की खुजली। जब किसी को एक्जिमा हो जाता है तो आदमी खुजलाता है, खुजलाने में दुख नहीं होता, आनंद होता है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा। अगला कहता है यार बनकर खून निकल रहा है, हाँ अच्छा, देखने वाले को गंदगी लगती है, खुजलाने वालों को मजा आता है। इसी प्रकार से ये जितने भी भोग है, सभी के सभी भोग अपनी इंद्रियों की खुजली है। देखो महाराज, लेकिन असली आनंद क्या है कि हमको अपने अनुभव से सीखना है। एक उदाहरण, एक हमारे बड़े अच्छे मित्र है, बूढ़े हैं, 80 से ज्यादा है, और वो ब्रिगेडियर रह चुके हैं मिलिट्री में, और एक बार हमको मिलने दिल्ली आए। बोले स्वामी जी मैं आपको एयरपोर्ट पर मिलूंगा दोपहर को 12-1 बजे, रात को मैं गाड़ी चला नहीं सकता, तो मैं आ जाऊँ? मैंने आ जाओ। वो मेरे फ्लाइट जैसे आ गए वो आ गए, और जैसे हम बाहर आ गए सामान लेके, आके एकदम गले लगे और कहते स्वामी जी गुड न्यूज। हमने कहा फिर शादी कर ली क्या? बोले नहीं स्वामी जी शादी नहीं करी, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो मैंने कहा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, चिंतन करके, फट से मत बोलना, आपने कितने साल तक सिगरेट पी? बोले स्वामी जी 60 साल, 20 साल से मैंने शुरू करी थी, अब मैं 80 का हो गया हूं, 60 साल सिगरेट पी। कितनी पी? बोले कोई गिनती ही नहीं।
मैंने जितने साल तुमने इतनी सिगरेट पी उसकी जो खुशी थी और आज तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया, ये जो खुशी है, ये दोनों में कंपेयर करो तो श्रेष्ठ आनंद कौन सा है? बोले स्वामी जी, आपने पकड़ लिया। अब मुझे जो खुशी है ना सिगरेट छोड़ने की, वो सिगरेट पीने से 1000 गुना बड़ी है। तात्पर्य क्या निकला? भोग से ज्यादा आनंद त्याग में होता है। भोग में हम एकदम गुलाम बन जाते हैं, त्याग में हम मास्टर हो जाते हैं। ये करके देखो, जो चीज आपको बहुत पसंद है उसको छोड़ो, मत खाओ। 2-4 दिन चिक चिक करेगा मन, फिर ठिकाने पर लग जाता है और फिर देखो कितना आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि हम कर सकते हैं। देखो महाराज, तो यह जहां भी हम मंदिरों में इत्यादि जाते हैं, यदि इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहे हैं तो हम वहां जाकर के गलत काम कर रहे हैं। क्या उसको मालूम नहीं हम किस चीज की जरूरत है? हम हिंदुस्तानी है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को सजेशन देंगे, डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दे यार, बहुत दिनों से नहीं लिया, अरे ये कोई पान मसाला है। वो उसको निर्णय लेने दो ना कि तुम्हारा रोग क्या है, वो निर्णय लेगा। इसी प्रकार से हम भगवान के दरबार में जाते, उनको सजेस्ट करते, भगवान ऐसा करना है मेरा पड़ोसी मर जाए। देखो संतो, कभी भी भगवान के सामने जाकर कुछ मांगना मत। एक बार हम शिरडी के मंदिर में थे, साईं बाबा के मंदिर में, वहां हमको लोग जानते हैं तो हम तो फट से अंदर चले जाते, लाइन में नहीं लगना पड़ता। वहां तो लाइन बड़ी लंबी लगती है, 8-8, 6-6 घंटे की। तो हमारे साथ 2000 कमंडलू थे, हम जैसे गए तो हमने मत्था टेका उनके समाधि पर, फिर उन्होंने हमको एक नरियल दिया, एक माला पहनाई और हम निकल गए बाहर। हमारे साथ जो थे, स्वामी जी आपको वहां खड़ा रहने का कितना समय मिलता है, आपने मत्था टेका और निकल गए तुरंत, और हमको तो वो पुलिस धक्का मार के निकाल देता है, आप वहां ज्यादा क्यों नहीं रुकते? हमने कहा देखो, जितनी लिस्ट लंबी होगी डिमांड की उतना नमस्कार लंबा होता है। अब आपको मांगना ही नहीं कुछ तो काहे को रुकेंगे, ये तो टुकुर टुकुर देख रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या देखना है? अरे वो हृदय में है ना। अच्छा, फिर उन्होंने कहा तो स्वामी जी आप कुछ मांगते नहीं क्या? मैं मांगता हूं। बोले क्या है? हमने अंदर की बात है। बोले हमको बताओ, हमने बताएंगे एक शर्त पर, आप भी यही मांगना, इसके बाद दूसरा कुछ मत मांगना। बोले ठीक है। हमने कहा हमने भगवान को यही मांगा है कि हे भगवान, हमारे हृदय में किसी के भी प्रति, मजाक में भी, सपने में भी, एक बार भी घृणा का भाव निर्माण न हो। बहुत बड़ी बात है, जिस हृदय में घृणा होती है उस हृदय में परमात्मा का अवतरण नहीं होता। किसी से प्रेम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, घृणा किसी से ना करे। उपनिषद के शब्द है, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं न ततो विजुगुप्सते। विजुगुप्सा माने घृणा। यदि हमने सब में अपने आप को देखा है और सबको अपने में देखा है तो कभी भी मन में घृणा नहीं आ सकती। देखो एक उदाहरण देते हैं आपको, अभी के अभी, बड़ा गंदा उदाहरण है लेकिन याद रखेंगे फिर आप। इसी समय हमारे सबके पेट में, लार्ज इंटेस्टाइन में गोबर भरा हुआ है। अब उसका चिंतन करो, फिर भी आपके मन में घृणा का भाव निर्माण नहीं होगा। हमारे ब्लैडर में पेशाब भरी हुई है, उसका चिंतन करो, घृणा का भाव निर्माण नहीं होगा। वही बाहर आने के बाद उसका दर्शन करो, प्रेम आएगा क्या? तात्पर्य क्या है? जिसको जिसको हमने मैं इस परिभाषा में
इंक्लूड किया है उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आता। देखो दूसरा उदाहरण देते, दिल्ली का है। दिल्ली में हम जब लेक्चर थे तो सामने में एक लड़की बैठी थी। तीसरे दिन हम कहीं नाश्ते के लिए गए, वहां वो आई थी। हमने तू यहां भी आई, यहां सत्संग नहीं है, तुमको बुलाया था इन लोगों ने नाश्ते के लिए। बोले स्वामी जी ये मेरा ही घर है। मुझे क्या मालूम किसका घर होता है। तो फिर मैंने ठीक है मम्मी को करने तू मेरे साथ आ। फिर मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिए और उसके बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून लाल रंग के मैंने इतने नजदीक से पहली बार देखे थे। हमने कहा यार तुम क्या खाती हो क्या कुछ, इतने लंबे लंबे नाखून बढ़ रहे हैं और ये लाल कैसे होते हैं, तुम क्या खाती हो मुझे बताओ, मुझे भी वैसा करना है। बोले स्वामी जी ऐसे नहीं, हम उसको रंग लगाते हैं। हमने कितना सुंदर लग रहे है, किसी को नोचने के लिए बड़े आसान है ना। दूसरे दिन जब सत्संग को आई तो वो अपने हाथों को ऐसा करके बैठी। अब मेरा सत्संग होने के फिर उसको बुलाया इधर आ जा, अरे हाथ दिखा। नहीं नहीं स्वामी जी दिखा नहीं, कैसी देखा सब उसने नाखून काट के रखे थे। हमने बाप रे तुमने काट दिए इतने सुंदर नाखून, कहाँ फेंक दिए, मुझे दे दो मुझे बड़े अच्छे लगे वो। स्वामी जी वो नाखून को काटने के बाद फेंक देते हैं, ध्यान से सुनना, जब तक के वो मैं की परिभाषा में इंक्लूडेड है तब तक के वो सौंदर्य का लक्षण है, जहां मैं से अलग हो गए वो गंदगी हो गई ना, तो शुद्ध प्रेम कहां होगा। देखो महाराज ये जो परायपन का भाव है ना यही संसार है, यहां तो सबको अपना कहो या किसी को अपना मत कहो। ये बात ये नवे अध्याय की बता रहे कि इसीलिए ये मुझे ये चाहिए वो सब ठीक है बढ़िया, प्रभु की इच्छा से सब ठीक चल रहा है। हमारे जीवन में एक भी घटना ऐसी नहीं होती जो हमारे उद्धार के विरोधी है, हर एक घटना जीवन की एक भी ले लो आप देखो, तब जा करके हमारा प्रभु के प्रति समर्पण है। हमारा समर्पण तो कंडीशनल है, भगवान ऐसा करोगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अरे तो फिर ऐसे जो लोग हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और फिर वहां काम हो गया फिर कौन जाएगा मंदिर में, कोई जरूरत नहीं। ऐसे एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामाल बनते, फिर ऐसे जो कामनाओं को पूरा करने वाले फिर स्वर्ग में जाएंगे नीचे आएंगे, नरक में जाएंगे नीचे आएंगे, और ये चक्कर जो है पुनरपि जनरम इसका कभी अंत नहीं। आप उसके बाद बताते हैं जो दूसरे लोग हैं आपके जैसे कैसे है, अनन्या चिंतयंतो माम एक, ये जना परियुपासते दो, तेषां नित्याभियुक्तानां तीन, योगक्षेमं वहाम्यहं चार। योगक्षेमं वहाम्यहं ये LIC वालों का स्लोगन है, इन्होंने भगवत गीता से चुराया है, चोर तो है ही सब। जिस कन्हैया ने ये कहा उस पर हमारा विश्वास नहीं है, ये LIC वाले कहते हैं उस पर विश्वास है। देखो क्या कहते हैं भगवान, अनन्या चिंतयंतो माम, पहली कंडीशन जो मुझे अपने से अलग करके नहीं रखते, अन्य माने अलग, अनन्य माने अलग नहीं, जो मुझे नित्य निरंतर अपने साथ अपने हृदय में एक रूप से रखते हैं, अनन्या चिंतयंतो माम। दूसरी बात, ये जना परिउपासे परितः, कहीं भी हो परमात्मा का विस्मरण असंभव होता होगा। ऐसे नहीं कि मंदिर में गए तो भक्त है बाकी तो विभक्त हो गए। देखो महाराज ये जना परिउपासते, तीसरी बात तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ये उनकी जो भक्ति है उपासना है ये टेम्पररी नहीं है, नित्य है, हर अनुभूति में उनको परमात्मा का स्मरण होता है। इसका वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस के अंत में कहा है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे जो आदमी लोभी होता है,
कहीं भी जाएगा तो पैसे की सिवा दिमाग में बात आती ही नहीं, हर जगह जाएगा पैसा। देखो एक बार एक हमारे मित्र, बहुत पुरानी बात है, उनका लड़का था, उसको पोलियो था, तो हम मोटरसाइकिल में बैठे, हमारे पीछे वो बैठा, झांसी के रहने के जैसा पकड़ के बैठा, उसके पिताजी, उसकी माँ और एक उसकी बहन एक स्कूटर पर पीछे आ रहे थे और हम चले गए जल्दी। वो लड़का कहता है, स्वामी जी जोर से भगाओ, मजा आता है। बोले पापा कभी नहीं चलाते जल्दी जल्दी। तो हम चले गए जल्दी और पहुंचे, और उसके बाद उन्हें बोला, पुत्र क्या खाना है? बोले स्वामी जी डोसा खाएंगे। ठीक है, हमने डोसा मंगाया, डोसा आ गया। फिर बोले स्वामी जी अब पापा डांटेंगे आपको भी मुझे भी। क्यों? वो कहेंगे देखो डोसा 25 रुपए का, 25 रुपए में पूरे कस्बे को खिला सकते हैं, क्यों पैसा खर्चा कर रहे हो? हमने कहा पहले झूठा कर लेते फिर कुछ नहीं होगा। फिर हमने झूठा कर लिया। उतने में उसके पिताजी आए और स्कूटर रखा भी नहीं पूरी तरह से, देखा कि हम लोग डोसा खा रहे हैं और उतना गुस्सा हो गए, तुम लोगों को पैसे की कोई कीमत नहीं, इनको क्या इनके जेब से पैसे नहीं जाते, ये थोड़ी कमाते, कमाता तो मैं हूं ना। अरे यार तुम वेकेशन में गए हो तो पैसे कमाने के लिए गए हो कि उड़ाने के लिए गए हो? देखो महाराज, इस दुनिया में जो हम आए ना, दुखी होने के लिए नहीं आए, मौज में रहने के लिए आए। और ये तब होगा यदि आप प्रभु के साथ है तब। यदि आप प्रभु के साथ हो आप दुखी हो ही नहीं सकते। यदि आप दुखी हो तो भगवान से बिखर गए हो। यदि आप सूर्य प्रकाश में हो तो आपको अंधकार नहीं दिखेगा। यदि अंधकार दिख रहा है तो आपने या तो आंखें बंद कर ली है या तो सूर्य प्रकाश से हट गए हैं। जो भगवान के साथ रहता है उसके जीवन में दुख का आना दुख के लिए दुखी कर देता है। देखो संतो, किसी भी हालत में डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। अपने दुख का समर्थन कभी ना करना। भगवान कृष्ण की जीवनी देखो आप, उनके जीवन में जितने दुख आए ना, उतने दुख हमारे दुनिया के सभी लोगों के सभी दुखों की गिनती करो तो इसके एक चटाक भी नहीं होगे। फिर भी वो कभी रोए नहीं। तो जैसे हम लोग बाबा जी होते हुए भी मैचिंग करते हैं ना, लुंगी और शर्ट मैचिंग है, तो यदि हम भगवान कृष्ण के भक्त है तो मैचिंग होना चाहिए ना। वो कभी रोए नहीं तो हम क्यों रोए? देखो संतो, तो सबसे बड़ी साधना भगवद गीता के अनुसार यही है, मौज में रहो। एक बार कहीं ऐसा प्रसंग था, 10-12 महात्माओं को बुलाया था, हमको भी बुलाया, बड़ा ऑडियंस सामने बैठा है, तो हम जैसे आ गए तो हम सामने बैठ गए जमीन पर। बोले नहीं नहीं महाराज ऊपर आओ, आपका तो ऊपर प्रवचन देने, आपको ऊपर आ जाओ। वो ऊपर गए, हमको कहे थे आपका सेवक कौन है? तो हमने बोला आप कौन है? महाराज ठीक है आसन लगाओ। और फिर सत्संग हो गया तब। फिर वहां एक बूढ़ा महात्मा था, उस समय हम जवान थे, हमको कहे थे देखो बुरा मत मानना, आप भगवत गीता पर इतना हल्का फुल्का बोलते हो ना, वो ठीक नहीं। भगवत गीता ग्रंथ हमारे शास्त्र का धर्म ग्रंथ है। हमने कहा ठीक है बाबू जी, आप नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि लोग भगवत गीता पढ़े ही नहीं। वो होने के पश्चात एक दूसरे सज्जन ने, स्वामी जी आपने उनको क्यों नहीं सच सच बताया? हमने कहा देखो बड़े होते हैं ना, बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बड़े जो कहते हैं बिना सुने हाँ कह दो, 2 मिनट में वो भूल जाएंगे किसके बारे में आ कहा था, तो झंझट करना। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना चाहिए बूढ़ों के साथ, बिल्कुल पक्का सिद्धांत है, कुछ भी कहे हाँ कह दो बिना सुने। तो फिर बोले मुझे बताइए, हमने कहा देखो तुमने भगवत गीता पढ़ी हो तो स्पष्ट लिखा है, जब अर्जुन रो रहा था और फ्रस्ट्रेट हो रहा था तो ऐसे रोते हुए फ्रस्ट्रेटेड अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने चेहरे पर हंसी और हृदय में प्रेम, ऐसी मुद्रा में उन्होंने भगवद गीता बताई है, प्रसन्न व भारत। तो जब ओरिजिनल गीता जो दी है वो मस्त होकर के दी है
तो सुनने वाले बोलने वाले दुखी क्यों हो? देखो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार से जब अर्जुन रो रहा था तो उस रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने प्रहसन इव मानो हंसते हंसते ये पूरा भगवद गीता का ज्ञान दिया है। देखो इसीलिए संतो नित्याभियुक्ता नाम का तात्पर्य है हम एक क्षण भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकते चाहे तो भी। तो करना क्या है? इतना स्मरण मात्र रखना है हम उनकी गोद में बैठे हैं हमको कोई फिक्र नहीं। छोटे बच्चे देखो ना जब माँ के गोद में होते मस्त हो जाते हैं उनको ये फिक्र नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो मम्मी का चक्कर अपन को क्या अपन तो मस्ती में हम अन्न मुंह में डाल दो और आनंद में रहो। ये मस्ती तब आती है जब हमने अपने आप को प्रभु चरणों में संपूर्ण समर्पित कर दिया है। अच्छा महाराज ये चाप्य अच्छा आगे लिखा है योग क्षेमम वहाम्यम। योग माने क्या? जो हमारे पास नहीं है जो प्राप्तव्य है उसको योग कहते हैं। अमुक अमुक मिलना चाहिए अमुक अमुक होना चाहिए ये योग है। क्षेम माने जो हमारे पास है उसकी देखभाल करना है उसको प्रोटेक्ट करना है उसको रखना है संभाल करके। भगवान कहते हैं हम दोनों बातों का ध्यान रखेंगे आपके आपकी आवश्यकता पूरी करेंगे और जिसको आपके लिए बचाना है उसको बचाएंगे जिसको नहीं बचाना है नहीं बचाएंगे। हमारे लिए क्या योग्य है ये हमसे ज्यादा भगवान जानते हैं। तभी जा करके आप एकदम बेफिक्र होकर के रह सकते हो। ये तो हमेशा यही चक्कर पता नहीं महाराज आगे क्या होने वाला है। अरे पता नहीं तो मौज में रहो पता है तो तैयार रहो। यह चिंता करने दुखी होने की कहां बात है। अब ये छोड़ करके लोग क्या करते हैं आगे बताते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपी मामेव कौन्ते यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वञ्चिते यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् याति पितृव्रताहम् भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजनोऽपि माम्। अब कई लोग जो है मैं जिनके हृदय में बैठा हूं उसके तरफ तो वो एकदम दुर्लक्ष कर देते हैं लेकिन अन्य देवता जजन्ते लेकिन किसी दूसरे देवता के पीछे लग जाते हैं। कैसे? एक महात्मा से हमने कहानी सुनी हमको बड़ी अच्छी लगी। एक सज्जन शीतला देवी के मंदिर में गया और शीतला देवी की बड़ी उपासना करी और शीतला देवी प्रसन्न हो गई और देवी ने कहा भगत जी मांगो क्या चाहिए। तो उस आदमी ने कहा कि अम्मा मुझे एक ऐसा घोड़ा दे दो कि जो रेस में हमेशा पहला आ जाए तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। तो उस शीतला देवी अम्मा को गुस्सा आया एक चाटा लगाया। बोले अम्मा मारा क्यों? बोले तू मेरी मजाक उड़ा रहा है जब मैं तुमको घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठती। देखो महाराज क्या मांगते हो भैया मांगो मत बहुत महत्व की बात है। एक छोटी सी और कहानी बताते हैं। एक हमारे मित्र उनके पास एक लड़का आ गया काम करने के लिए हम वही बैठे थे तो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है बैठो जी क्या करना है। बोले हम काम करेंगे सभी हम सब जानते हैं लेकिन हम लेंगे 500 रुपए 500 रुपए से एक पैसा कम नहीं लेंगे वो नौकर कह रहा था। तो हमारे दोस्त ने कहा कि नहीं भैया 500 तो ज्यादा हो जाते हैं ऐसा करना 150 रुपए में ले लेना। बोले कहानी 150 रुपए में कुछ नहीं होता। तो हिसाब करते करते 350 रुपए में फिक्स हो गया। बोले जब आना आ जाओ कल से आ जाओ चलेगा। अब वो जाने के बाद हमारे मित्र कहते देखो स्वामी जी आपने देखा कुछ क्या? बोले हर एक आदमी अपनी कीमत करता है। यदि ये लड़का ठीक से प्यार से अच्छा काम करता तो इसको मैं 350 क्यों
3,500 दे देता। इसी प्रकार से हम भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, मुझे 350 रुपए चाहिए, वो करोड़ों देने को तैयार है। मांग करके अपनी कीमत घटाओ मत, उसको पता है क्या चाहिए आपको। हम अपने जीवन के बाद बताते, हमने अपने जीवन में जो पाया है, यदि हम अपने जीवन को डिजाइन करते हैं ना तो नहीं पा सकते, उन पर छोड़ दो ना, परेशानी उनकी है। यदि आप भगवान पर बोझा डालोगे ना तो वो बिजी रहेंगे, सभी अपनी करेंगे तो खाली हो जाएंगे, और खाली होंगे तो परेशान करेंगे। तो जिनको जिनको परेशान करते हैं भगवान, आपने उनको खाली उनको बिजी रखो, वो भगवान जरा ध्यान रखना। और आप सो जाओ तान दुपट्टा, देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। ये छोड़ करके हम अन्य भिन्न देवताओं के पास जाते हैं कि भगवान मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। कहते हैं असल में देखा जाए तेपी मामे व कौन ते यजंती, वो असल में मुझे ही सब मांग रहे हैं, लेकिन अविधिपूर्वकम। अविधिपूर्वकम माने उनका ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। तरीका क्या होना चाहिए, प्रभु के चरणों में छोड़ दो अपने आप को, एकदम मन शांत हो जाता है। मन की शांति का तात्पर्य अंतकरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये षड रिपुओं का अभाव, काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं, मोह मद मात्सर्य के अभाव को शांति कहते हैं। लेकिन शांति अभावात्मक नहीं है, जो सबके अभाव में होता है वो हम है, क्योंकि हमारा कभी अभाव हो ही नहीं सकता। और यह जो अपना स्वरूप है वही परमात्मा है। भगवान को दूर नहीं ढकेलना, व्यवहार करते समय जैसा आवश्यक है वैसा जरूर करें। जहां अपने आप में आके बैठे, चलो अपने आप को भगवान के चरणों में रख लिया, अब जो थारी रहा है सो मारी रहा है, बैठो। कभी मन लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, हम तो है प्रभु के ही घर में। धीरे धीरे मन के विक्षेप को लेकर के विक्षेपित होने का स्वभाव शांत हो जाएगा। मनुष्य अपने मन के विक्षेपों को लेकर के बहुत दुखी होता है, और फिर उसके कारण भागता है यहां से वहां, या तो कुछ पढ़ने को ले लेगा, या तो कोई जप करने लगेगा, या तो कहीं सिनेमा देखेगा, टीवी देखेगा, क्योंकि अपने आप से परेशान है। ये एक बहुत बड़ी साधनाएं करके देखो, 5 मिनट 10 मिनट अकेले रहो, व्हाट्सएप नहीं, फोन नहीं, घंटी नहीं, टीवी नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, केवल अकेले बैठे रहो, और 5 मिनट वेस्ट करो, वेस्ट योर लाइफ। तुरंत आपका मन कहेगा बैठे बैठे क्या करते, स्वेटर बुन लेते, नहीं तो ऐसा करते सब्जी काट लेते। देखो ये मन आपको शांत नहीं बैठने देगा, और इसका जैसा आपका अभ्यास बढ़ेगा ना, एक दिन भगवान के अनुग्रह से क्लिक हो जाएगा। जैसे साइकिल पे बैठना, बैलेंस करना क्लिक हो जाता है, पानी में तैरना क्लिक हो जाता है, ऐसे ही प्रभु का दर्शन क्लिक हो जाता है। उसके लिए ये सब एक्सपेरिमेंट है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेना तश्चवन्ति ते, मैं ही सभी का भोक्ता हूँ, सभी यज्ञ का मैं ही भोक्ता हूँ, और न तु माम अभिजानन्ति, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, इसीलिए वो सब करते हुए भी अपने आप का सत्यानाश करते हैं। देखो कहीं बढ़िया हीरा पड़ा हो,
और बच्चे खेल रहे, पत्थर करके मार रहे एक दूसरे को, उनको पता ही नहीं कि उन्होंने किसको हाथ में लिया है। तो उनके हाथ में हीरा आने के बाद भी वो दरिद्री की दरिद्री ही रहेंगे, और जिसने उसको पहचान लिया है, इसी प्रकार से हमारे हृदय में वही विराजमान है, उसको पहचान लो। उसको पहचानना माने क्या, एक ही लक्षण है, आपके अंतकरण में एक भी कामना उठेगी नहीं। कोई भी कामना नहीं, अकाम हता, जो कामना के द्वारा मारा नहीं जाते उसको कहते अकाम हता। किसी भी कामना का वहां प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो ये तुमाम न अभिजानती तत्वेन अतः तच्चवंती थे, इसीलिए तत्व से भटक जाते हैं माने क्या, फिर वो इस दुनिया में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस चक्कर में फंस जाते हैं। इसीलिए संतो ये बहुत बड़ी साधना है, केवल परमात्मा को बाहर तो देखो ही लेकिन अपने हृदय में वो विराजमान है, इसका कभी विस्मरण नहीं करना। भगवान ने 15वें अध्याय में बताया है अपना स्थान कहाँ है। पहले कहते हैं यदा आदित्यगतम तेजो जगत भाषे ते खिलम, सूर्य में प्रकाश के रूप में मैं हूँ, फिर चंद्रमसी चंद्रमा में मैं हूँ, फिर अग्नि में मैं हूँ, फिर पृथ्वी में मैं हूँ, फिर अन्न में मैं हूँ, फिर पेट में मैं हूँ, और पेट में मैं क्या करता हूँ, पचामी अन्नम चतुर्विधम, मैं जितना हम खाते हैं उसको पचाने वाले कन्हैयालाल जी बड़ी कढ़ाई लेके बैठे हैं और वहाँ वो अपना पचा रहे हैं और हम दबा दबा के खा रहे हैं, और भगवान सोचते कि आप शांत हो गया है शायद, उतने में 1 किलो आइसक्रीम आ जाता है, अरे राम, फिर वो स्क्रीम करने लग जाता है, अरे बंद कर। और जो बंद करने का कारण क्या है, अंदर से भी डकर आती है, बंद कर इसे अलार्म। महाराज जैसे जैसे ये भाव बनते जाता है ना, तब आखिरी श्लोक समझ में आता है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसको पहचानने के बाद जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। कृतकृत्यता माने ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। देर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट इन अवर लाइफ। जीवन अपने आप में परिपूर्ण हो गया। यदि मौत आती है तो डांट सकते हैं, लेट क्यों किया, कब से वेट कर रहे थे, अब कुछ खाली नहीं है, ये बचा है, कुछ भी नहीं है, रेडी टू लीव। ये कृतकृत्यता जो है ये तभी आएगी जब अपना समर्पण प्रभु चरणों में 100% होगा तब। तो ये परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करना, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले बताते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृंजाति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजनोऽपि माम, और बाकी का प्रसंग हम कल के समापन में पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।